है शेरा के लड़कियों को उठा के ले जाए। पूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। चंदेरी को अगर कोई मुसीबत से बचा सकता है तो वो तुम हो। हेलो दोस्तों, स्त्री टू तो आपने देखी ली होगी, अगर नहीं देखी है अभी तक तो जाओ यार देख के आओ, क्योंकि यह वह मूवी है जिसने 11वें दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है इंडियन हिस्ट्री में। 600 करोड़ का आंकड़ा ऑलरेडी पार हो चुका है और अभी काउंटिंग बाकी है। अभी कितना पार करेगी, किसको किसको ये क्रॉस करेगी, ये देखना बाकी है। हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज़ में बात करें तो 22वें नंबर पे पहुंच चुकी है इंडियन हिस्ट्री में अभी तक, और ये आगे बढ़ते ही जा रही है। तो मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उमड़ रहे होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस मैं भी लेके आया हूँ, कुछ के आंसर्स लेके आया हूँ। अगर मेरे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास में हो तो कमेंट में करके यार बताइएगा, मैं भी तो जानूँ कि क्या है उनके आंसर्स। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्लिक कर लीजिए बेल बटन पे ताकि सारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और साथ ही में कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। और उसके अलावा दोस्तों मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, साथ में मूवीज़ देता हूँ वो भी HD में। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि सरकटा कौन है दोस्तों, कहाँ से आया सरकटा, इसका पहला क्वेश्चन। तो सरकटा कौन और कहाँ से आया, मुझे नहीं अभी तक समझ में आया मूवी में कि मूवी में सरकटा आ गया लड़कियों को, जो कि आधुनिक सोच रखती हैं, उनको उठा के ले जा रहा था, तो क्यों उठा के ले जा रहा था उनको, क्या दुश्मनी है उनकी उससे, इसका आंसर मूवी ने नहीं मिला। अगर आपके पास इसका आंसर है तो ज़रूर बताइएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, मुझे जिसका आंसर अभी तक नहीं मिला वो यह है कि सरकटा और स्त्री का क्या रिलेशन था, क्योंकि मूवी में हमने देखा जब श्रद्धा कपूर विकी को बता रही थी कि एक पिक्चर दिखा के बता रही थी कि सरकटे का सर जो है स्त्री ने काटा और साथ में एक छोटी बच्ची भी थी, तो सरकटा और स्त्री का क्या रिलेशन था वो मूवी से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या उनमें दुश्मनी थी या फिर क्या प्यार था या फिर श्रद्धा कपूर ही सरकटा की लड़की हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। आपको अगर इसकी हिंट हो, कुछ पता हो तो ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरे दिमाग में उमड़ रहा था वो यह है कि अक्षय कुमार के पास में चंदेरी पुराण के पन्ने कैसे आते हैं, वो उसको कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि वो तो कहीं बहुत दूर रह रहा था और चंदेरी कहीं बहुत दूर थी, तो उसके पास में चंदेरी पुराण के वो पन्ने जो सरकटा से रिलेटेड थे वो उसके पास पे कैसे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, अगर वो उसके पास में पन्ने थे तो वो रुद्रा को वो पन्ने भेजता ही क्यों है, और सरकटा के बारे में उनको वो हिंट क्यों देता है, क्योंकि एक आफत आने वाली है, एक नई आफत आने वाली है चंदेरी पे, इसके बारे में वो रुद्रा को क्यों बताता है, और रुद्रा के जरिए पूरे गांव में पता चल जाता है, तो ये अक्षय कुमार उनको क्यों बताता है, ये भी एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मूवी में नहीं मिला है। हो सकता है स्त्री 3 में मिले या अगली आने वाली कुछ मूवीज़ में मिले। जो दोस्तों 5वां क्वेश्चन है वो यह है कि श्रद्धा चंदेरी से क्या रिलेशन रखती हैं, वो बार बार आके चंदेरी को क्यों बचा रही हैं, उनको भी 100 साल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, वो भी एक आत्मा है, लेकिन चंदेरी से ऐसा क्या रिलेशन है उनका कि चंदेरी में आके बार बार उसको बचाती हैं। पहले भी आई थी जब स्त्री से उन्होंने बचाने में विक्की की मदद की, हालांकि स्त्री उनकी माँ जरूर थी, लेकिन उनकी माँ को नहीं पता था कि जो श्रद्धा है वो उनकी बेटी है। तो इसमें भी श्रद्धा ने चंदेरी के आके बचाने की कोशिश की, तो श्रद्धा का क्या रिलेशन है चंदेरी से ये भी मूवी में क्लियर नहीं हुआ, विक्की से क्या रिलेशन है ये भी मूवी में क्लियर नहीं हुआ, तो इसका भी आंसर अगर आपके पास है तो ज़रूर बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 6ठा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जो आया वो यह है कि विक्की को रक्षक क्यों बोला गया, विक्की क्या पुराने ज़माने में कुछ था या फिर कुछ उसका भी रिलेशन है स्त्री से या फिर उस चंदेरी गाँव से पहले का जो पहले का होगा, तो विक्की ही को ही रक्षक क्यों बोला गया, और विक्की ने ही पहले स्त्री को कैसे हराया था, अब यहाँ पे सरकटा से वो लड़ने पहुँच गया, तो विक्की को ही बार बार क्यों शामिल किया जा रहा है, विक्की का क्या रिलेशन है। तो विक्की की भी हिस्ट्री अभी तक पता नहीं चली है, ना ही स्त्री में ना ही स्त्री 2 में, हालांकि विक्की का यह नया जन्म है, क्या अब उसका कोई पुराना जन्म भी था, इसके बारे में अभी तक भनक नहीं मिली हुई है स्त्री की पूरे सीरीज से। तो इसका आपके पास आंसर हो तो वो भी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरी नज़र में 7वां क्वेश्चन, जना को जो है जना के अंदर ऐसी क्या पावर थी कि उसको उस दीवार के पार की सारी चीज़ें दिख रही थी। आपने लास्ट में सीन देखा होगा जब विक्की दीवार के अंदर गया था श्रद्धा के साथ में सरकटा से लड़ने के लिए, तो जना बाहर से उस चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर रहा था, रुद्रा को बता रहा था
तो उसको कैसे सारी चीज़ें दिख रही थी, उसके अंदर कौन सी सुपर नेचुरल पावर है या उसको ऐसी कौन सी पावर मिली है जिसके जरिए वो दीवार के आर पार देख पा रहा था, तो ये भी दोस्तों अनआंसर्ड था, मूवी में नहीं पता चल पाया था क्यों ऐसा था। तो इसका भी आंसर अगर आपके पास हो तो ज़रूर बताइएगा। मूवी में लास्ट में हमने देखा जो क्वेश्चन 8वां है वो उसी से जुड़ा हुआ है। सरकटे का सर तो लावा में जला दिया गया था, लेकिन सरकटे का जो धड़ था, जो पूरा शरीर था, वो कहाँ गया वो नहीं दिखाया गया था मूवी में, जिसको लेके हो सकता है अगली मूवी बने और सरकटा फिर से वापस आए, ये हिंट दी गई थी हमें। लेकिन सरकटे का जो धड़ था, जो पूरा शरीर था, वो गया कहाँ उसे नहीं दिखाया गया, वो भी एक ओपन क्वेश्चन रह गया था जिसको इस 3-2 में क्लियर नहीं किया गया। जो अगला क्वेश्चन है जो अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है, बहुत लोगों के दिमाग में मिस्ट्री बना हुआ है कि अक्षय कुमार को कलश, आखिर जो लावा वाला कलश था वो किसने दिया के, तो ये नवा क्वेश्चन जो मेरा है वो इसी से जुड़ा हुआ है। अक्षय कुमार को वो लावा का कलश किसने दिया के, उसके घर में वो कैसे पहुंचा, कौन लाया उस कलश को, तो बहुत सारे यूट्यूब पे और जगह पे इसके आंसर्स भी आ रहे थे कि हो सकता भास्कर ने दिया हो जो कि भेड़िया है, या फिर मुंजा भी आ गया है अब इसके चपेट में तो मुंजा ने दिया हो क्योंकि मुंजा अब हर चीज़ से बदला लेना चाहता है, या फिर किसी और ने ही, या फिर विक्की ने, या फिर विक्की के दोस्त जना ने, या फिर खुश श्रद्धा ने, किसने दिया अक्षय को वो। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, वो अक्षय से रिलेटेड ही है दोस्तों। अक्षय का सरकटा से क्या रिलेशन है, उन्होंने आखिर उस लावा को पिया ही क्यों, और अलग से जो उनका भद्र रूप बन के आया था वो कैसे आ गया, तो लावा से उनका शरीर पूरा ख़त्म क्यों नहीं हुआ और अलग ही एक रूप बन गया, तो अक्षय का सरकटा से क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें भी मूवी में क्लियर नहीं की गई थी। ये पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था जब अक्षय ने लावा पिया था। तो ये 10 क्वेश्चंस जो मेरे अनआंसर्ड है मेरे दिमाग में अभी तक घूम रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए, हो सकता है आपके पास इसके आंसर्स हों जो आप मुझे कमेंट में करके बता सकें। तो दोस्तों अगर आपके पास किसी क्वेश्चन का आंसर है तो ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा, और ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अगला फिर से लेके आऊँगा आपके लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।